साल की लड़की के साथ ऐसा इतना घलोना। अभी ने पहले मेरे मम्मी पापा घर पे कौन थे और हमारे सामने हमारी गोगावा में घर आई मारे और मैंने ला के ले गई अपने घर। रोड गोरू था, गोरू ने मेरे साथ गलत काम किया। घटना बड़ी दुखदाई है, मामला आरोप जो है दुष्कर्म के लग रहे हैं। 15 वर्षीय लड़की है, उसके साथ एक महिला जो है उसको बहला फुसला कर लेकर जाती है अपने घर और अपने किसी जानकार के हो वहां जो कि लड़का पहले से ही मौजूद था। आरोप ये लग रहे कि उसके द्वारा 15 वर्ष की एक लड़की है उसका जो है उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और इस मामले को लेकर 2 तारीख को सफीदो के सदर थाना में FIR दर्ज भी है। अब आरोप ये लग रहे कि उस पर पुलिस जो है पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, दोषियों की कहीं ना कहीं गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या कुछ पूरा मामला है इनसे हम जानेंगे, बात करेंगे क्या घटना है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी भाई, पुलिस प्रशासन हमारी कोई नहीं सुनाई कर रहा। हाँ जी, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। जो सामने लड़की है, राशिक जाति राशिक है, नाम घोगा है, मेरी लड़की अकेली थी घर पे और वो भला फुसला कर अपने घर ले गई और उसने करवाया है। आप पुलिस से मिले होंगे, पुलिस क्या कह रही है? मैं पुलिस से मिली हूँ, सभी कह रहे कार्रवाई करेंगे करेंगे, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही अब तक तो है। और 15 साल की लड़की के साथ ऐसा इतना घलोना काम हुआ है, लेकिन सुनाई तो हो ही नहीं रही। पुलिस प्रशासन हमारी अब तक तो कह रही है करेंगे करेंगे, लेकिन अब तक कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। क्या कारण मानते हो, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या पता, कोई पैसे भी देते सबको, हम गरीब हैं, कोई तकड़ा है तो कोई पैसे वगैरह भी दिए होंगे, हमको तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमारी तो सुनाई नहीं हो रही है। हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ भी होगा, हमें तो न्याय चाहिए। सरकार से क्या कहना है? सरकार से यही विनती है, मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ से पढ़ाए कहाँ से बचाए, तो बेटी घर में ही शिक्षित नहीं है तो बाहर कैसे निकलेगी, बेटी तो है ही नहीं, कवर बेटी के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। मोदी साहब तो झूठ बोल रहे हैं, या तो कार्रवाई करो। 15 वर्ष की बेटी है जिसके साथ गोगावा में घर आई मारे और मैंने ला के ले गई अपने घर। रोड गोरू था, गोरू ने मेरे साथ गलत काम किया। आपने विरोध करा उसका? हाँ जी, लेकिन तो, साथ में थी वो जी। साथ में जो महिला थी होगा वो वाकई भी मशहूर है, सबने पता है, वो दूसरे काम में है, तरफ काम करती है, गाड़ी में किसी निकलने देती, मतलब उसकी हर तरफ चलती है, वो जो गंदा बंदा है उसकी तो चलती है। गरीब की थोड़ी देर से सुनाई होती है, हम तो सरकार से कहते हैं भाई इसकी सुनाई करो, इसकी कार्रवाई करो, हम तो थक गए हैं फिर के, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। चलिए, फिलहाल जो परिवार है वो काफी परेशान है, दुखी है। एक तरफ तो देश में और प्रदेश में नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ जिस तरीके से एक 15 वर्षीय बेटी के साथ इस तरीके का घिनौना काम हो जाने के बाद भी अब उन पर जो है कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही, तो कहीं ना कहीं परेशान है। और ये लगातार जो परिवार है ये आरोप भी लगा रहा है कि शायद पुलिस जानबूझ के इस तरीके का व्यवहार कर रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि 4 तारीख को FIR दर्ज हो गई थी और पुलिस जो है 2 तारीख को 2 दिसंबर को इस मामले में FIR दर्ज भी हो गई थी 2 लोगों के खिलाफ। अब देखने की बात ये होगी कि परिवार जो है न्याय की मांग कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस मामले में हम जानते हैं क्या कुछ कहती है पुलिस।